तो गाइस सिंपली को ओपन कर लेना अपना प्ले स्टोर ऐप को वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। आखिरी डेट को नजदीक आ गया, तो गाइस यहां पे आपको वोटर हेल्पलाइन नंबर इस ऐप्स को आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना होगा। सबसे इजी तरीका यही है गाइस, ठीक है। पोर्टल से अच्छा है कि आप इस ऐप से वोटर से आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। सिंपली ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिंपली चूज लैंग्वेज पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है इस ऐप में, तो न्यू यूजर पे इलेक्ट्रिक के बाद यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि आपका मोबाइल नंबर को एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद सेंड ओटीपी। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो कि आपका पासवर्ड भूल गए हो, तो ऐसे करके आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। तो सिंपली मैं लॉगिन करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, उसको सिंपली यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी के क्लिक करने के बाद ओटीपी आ गया, तो यहाँ पे मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो गाइस पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे उसके बाद आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर आना होगा, और यहाँ पे आपको 6B फॉर्म को आपको फ्लैप करना पड़ेगा वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। तो सिंपली आपके लेफ्ट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे आपका पास आपका वोटर आईडी है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो हमारा जो वोटर आईडी है यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से स्टेट से आप रहने वाले हो। तो उसके बाद फेच डिटेल्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे फेच हो रहा है आपका डिटेल्स। तो डिटेल्स फेच होने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करना पड़ेगा गाइस, और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं करने का। और अगर आप प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो आ गया, पूरी तरीके से आपका डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो आधार का नंबर है बड़ा अंक का, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो सिंपली जो मेरा आधार कार्ड का नंबर है मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ सिंपली, और कुछ भी नहीं करने का, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर आना पड़ेगा, और यहाँ पे इस बॉक्स को अनचेक ही रहने देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर को एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं पर्सनली, तो उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लेस देकर आप इसको डन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 6B को, यहाँ पे फॉर्म 6B को प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू दिखने के बाद अच्छे तरीके से आप फॉर्म को फिलअप किया, उसको देखने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करना पड़ा, और यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा।